ड्रैगन कछुए की चाल चलकर एलएसी पर जाल बिछाता जा रहा है। सरहद के आसपास घातक चक्रव्यूह बना रहा है और ये कोई हवा हवाई दावा नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसी को यह इनपुट मिला है कि एलएसी पर ड्रैगन फौज की मूवमेंट जारी है। हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ साथ बुनियादी ढांचों का निर्माण भी जारी है। आखिर क्या है ड्रैगन कंट्री का नया प्लान, ये रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी युद्ध के मुहाने पर जाती दिखाई दे रही है। आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि किसी भी वक्त भारत और चीन में युद्ध छिड़ सकता है। क्योंकि 12 जनवरी को भारत और चीन की सेना के बीच कमांडर लेवल की चौथी बैठक हुई। इस राउंड टेबल का कुछ खास नतीजा नहीं निकला, मगर इसी बीच जिनपिंग की रेड ब्रिगेड का नया अटैक प्लान सामने आ गया है। जो इस बात के संकेत दे रहा है, चीन एलएसी पर कुछ बड़ा करने की फिराक में है। असल में ड्रैगन ने हिंदुस्तान को उकसाने के लिए ऐसी हरकत की है, जिसके बाद जिनपिंग की लाल सेना के खिलाफ युद्ध ही आखिरी विकल्प नजर आ रहा है। आखिर कैसे, पहले वो जान लीजिए। एलएसी के सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रही है। आर्मी बेस कैंप, एयरबेस और हाईवे से जुड़ती सड़कें बनाई जा रही हैं। सैन्य अड्डों में चीन ने हैवी आर्टिलरी और टैंकों को भी तैनात किया है। टीएलए ने इस इलाके में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का भी जाल बिछाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन के ये सारे हाईवे काशगर, गरगुंसा और होटन एयर स्ट्रिप को जोड़ रहे हैं। यानी एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन बातचीत से मसले को हल करने की बात कर रहा था, तो वहीं राउंड टेबल टॉक की आड़ में एलएसी के पास पीएलए की हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा था। यकीन मानिए, इस बार भी ड्रैगन एलएसी पर डबल गेम खेलने की फिराक में है और इसकी आशंका इस बात से भी जताई जा रही है कि 4 जनवरी को जिनपिंग ने अपनी सेना को एलएसी पर मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया था, तभी से ड्रैगन की फौज एलएसी के सरहदी इलाकों में जुटने लगी। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिर्फ सेना और हथियारों की खेप ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो एलएसी के आसपास सरहदी इलाकों में जंगी रिहर्सल भी कर रहा है। लगातार अपने टैंकों, एमबीआरएल और आर्टिलरी से बारूदी कोहराम मचा रहा है। ताकि हिंदुस्तान को अपने विनाशक हथियारों की नुमाइश कर सके, मगर ड्रैगन के हर प्लान, हर साजिश पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है। उसकी हर हिमाकत का माकूल जवाब विस्फोटक अंदाज में देने के लिए भारतीय जाबाज और जंगबाज रेडी हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।